नमस्कार। तो बहुत ज्यादा लोगों के फोन आ रहे थे जो हमारे क्लाइंट्स नहीं भी हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं उनका जवाब मैं दे देता हूँ आप सबके लिए, और उसमें कोई बात नहीं, हमने अगर कुछ अर्न नहीं भी करा। सो दिस इज रिगार्डिंग ये जो नोटिफिकेशन जो 3 महीने पहले एक्चुअली आ गए थे, एग्जैक्ट 2 महीने पहले, रिगार्डिंग जो ओबीसी कैंडिडेट हम हरियाणा में होते हैं। और याद कीजिए हम हरियाणा में बीसीए और बीसीबी, मतलब कुछ जात ऐसी है जिन्हें बीसीए कहा जाता है, कुछ ऐसी है जिन्हें बीसीबी कहा जाता है, और दोनों ही अलग अलग रिजर्वेशन चलती है विदिन ओबीसी। अभी नोटिफिकेशन क्या था, ये बेसिकली क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिर्फ 4 पेज का था। और जैसे भी आप सभी जानते हैं कि यू नो आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, समझा दूंगा। और उन्होंने यही लिखा है कि कौन से लोग इसके अंदर नहीं आएंगे चाहे आपका सर्टिफिकेट बना भी हुआ है, क्योंकि तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं बीसीए या बीसीबी बन के, तो साथ में आपको जैसे ईडब्ल्यूएस में होता है आपको अपना नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी देना है और इनकम सर्टिफिकेट भी देना है। सो अगर आप इन सब से बिलोंग करते हैं, ऑफ कोर्स अगर आप कोई प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया का बेटा या बेटी है, सो मुझे नहीं लगता कि वो रिजर्वेशन लेना चाहेगा। फिर भी उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये सब लोग जो हैं, अगर जो स्टूडेंट है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज का बेटा बेटी है, तो फिर आप ये रिजर्वेशन नहीं ले सकते। अगर आप ग्रुप ए या ग्रुप बी, क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर हैं, तो भी आप इसके बाहर हो गए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी वंस अगेन, अगर आप ए और बी क्लास के ऑफिसर्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस में अगर आप मेजर के रैंक के ऊपर हैं, तो भी आप इसके बाहर हो गए। और इक्विवेलेंट रैंक नेवी या पैरामिलिट्री फोर्सेस में या एयरफोर्स में, प्रॉपर्टी ओनर में भी आ गया है एग्रीकल्चर होल्डिंग में कि इससे ऊपर अगर आपके पास एग्रीकल्चर होल्डिंग है, तो भी आप इस कैटेगरी के बाहर हो गए। और 6 लाख रुपए पेरेंट्स की मिला के अगर इनकम है उससे ऊपर है, तो भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इसमें देखिए 8 लाख नहीं है, 6 लाख है। हरियाणा की ईडब्ल्यूएस में भी मैंने आपको बताया था वीडियो में कि 6 लाख की लिमिट होती है, और अगर आपकी टोटल वेल्थ है वो 1 करोड़ रुपए के ऊपर है, तो भी आपको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो मान लो जी आप ऑफिशियली बीसीए बीसीबी थे समझिए, लेकिन आप इसके ऊपर आ रहे हैं, तो वैसे आप जात से आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, आपने नीट फॉर्म में अपने आपको ओबीसी बताया था क्योंकि आप 7 लाख इनकम वाले थे। तो ऐसे फोन बहुत आ रहे हैं मेरे पास। तो देखिए आप जब भरेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये लोग आपको जनरल कंसिडर कर लेते हैं। अगर आप बीसीए बीसीबी के थ्रू भर भी देंगे और डॉक्यूमेंट लगाएंगे जिसके अंदर आप बीसीए बीसीबी नहीं आ रहे, तो ऑटोमेटिकली आपको जनरल बना दिया जाता है। और उससे भी बढ़िया तरीका है कि अपने आप को आप जनरल में दिखाइए। अगर आप अपने आप को अप्लाई ही जनरल में कर रहे हैं, तो फिर आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। सो ये आप कर सकते हैं हरियाणा के लिए कि जो भी ये बीसीबीए बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस वाले जिनकी इनकम 6 लाख से ऊपर है, 7.5 लाख की लट से, तो चूंकि हरियाणा की लिमिट 6 लाख है, तो आप जो भी कैटेगरी का होता है ये हमेशा अपने आप को एज ए जनरल तो अप्लाई कर ही सकता है, उस पर कोई सोचने वाली बात नहीं होती। क्लियर है? तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा जो भी बीसीए बीसीबी कैटेगरी वाले हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।